और यूएस राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। दरअसल ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि उनकी रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है और वहीं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे जेडी वेंस, जो कि ट्रंप के करीबी हैं। तो अब यूएस के राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं ट्रंप, और ये रास्ता अब सीधा और साफ हो चुका है, और इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को अपना उम्मीदवार एक बार फिर से बनाया है। तो दूसरी तरफ ट्रंप जो कुछ दिन पहले तस्वीर सामने आई थी उनके ऊपर हमले की, उसके बाद से और भी मुखर होके मजबूत होकर वो सामने आए अपने समर्थकों के बीच। इस तरह से एक कान में बैंडेज उनके लगा हुआ था राइट कान में, और मुट्ठी भींचते हुए ये बताते हुए मैसेज क्लियर करते हुए नजर आए कि वो उनका रास्ता अब साफ हो चुका है। तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे जेडी वेंस। तो सुरक्षित चुनाव हमारा उद्देश्य है, ये कहना है ट्रंप का। और आपको बता दें, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, और अपने नाम के ऐलान के साथ ही पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच भी दे दी, जिसमें उन्होंने जो बाइडेन पर निशाना साधा और कहा कि जो बाइडेन अब तक के सबसे खराब राष्ट्रपति है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इधर राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी पर फाइनल मुहर लगी, और उधर ट्रंप ने जीत वाला मैसेज दे दिया। चुनाव में जीत ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक जीत होने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लोगों के वोटों से हम जीत ऐसी हासिल करेंगे जो ऐतिहासिक होगी और पहले कभी नहीं देखी गई होगी। We are honored to have you here tonight, and on behalf of the entire Republican Party all across America, we are grateful for you to be our nominee for the 47th President of the United States of America. खुद पर हमले के बाद ट्रंप पहली बार पब्लिक रैली में शामिल हुए। कान पर बैंडेज लगे ट्रंप के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। ट्रंप के समर्थन में जुटे हजारों समर्थक ट्रंप की हौसला अफजाई करते नजर आ रहे थे। लग रहा था मानो एक योद्धा युद्ध जीत कर लौटा हो। जितना उत्साह ट्रंप के समर्थकों में है उतना ही उत्साह ट्रंप में भी है, इसीलिए शायद वो बाइडेन को आड़े हाथों लेकर उन्हें अमेरिका का सबसे खराब राष्ट्रपति का खिताब दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन को व्हाइट हाउस से हटा देंगे। जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति हैं, और उनसे हम अपना देश वापस लेंगे। बाइडेन को खराब राष्ट्रपति बताने के पीछे की वजह बहुत है, वो है बाइडेन का माइंडसेट। अमेरिका जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल देश कहा जाता है, लेकिन बाइडेन राज में कई ऐसी चीजें हुई जो उसे पावरफुल होने पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं, क्योंकि कई मौकों पर या हालातों पर बाइडेन या तो चुप रहे हैं या फिर पीछे हट गए हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अफगानिस्तान है, जहां से अमेरिकन आर्मी को वापस बुलाया गया, नतीजन जहां तालिबानी राज कायम हो गया। रूस यूक्रेन में बाइडेन यूक्रेन को लगातार हथियार और पैसों की मदद करते रहे, लेकिन ना तो पुतिन झुके ना ही पीछे हटे। इसके अलावा अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा दिखता है, लेकिन गाजा युद्ध में वो मानवाधिकार की बात करते हुए फिलिस्तीनियों के साथ दिखा। ट्रंप अपनी जीत को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में, और ये कॉन्फिडेंस उनके इस बयान से झलकता है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब 2020 वाला दौर नहीं दोहराएगा और आने वाले 4 साल सबसे अच्छे होंगे। रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में ट्रंप को 2,387 डेलीगेट्स के वोट मिले और इसी के साथ उनके उम्मीदवारी फाइनल हो गई। लेकिन जो बाइडेन फिलहाल तो मुश्किल में है, क्योंकि उनकी दावेदारी ही खतरे में है। उन पर अपनी ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता उम्मीदवारी वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव के लिए बाइडेन फिट हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ट्रंप से सीधी बहस में पिछड़ना और फिर उसके बाद ट्रंप पर अटैक से बाइडेन पर कम होता विश्वास उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब मैसेज क्या दिया है वो भी आपको दिखा देते हैं। रिपोर्ट में आपने समझा कि किस तरीके से फिलहाल
ट्रंप लहर देखने को मिल रही है, लेकिन उन्होंने मैसेज भी दिया। आज आपको बताते हैं मैसेज क्या दिया। हम आपके वोट से जीतेंगे, उन्होंने कहा, ट्रंप का जीत वाला मैसेज। साथ ही उन्होंने दावा भी किया, ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। कहा कि इस बार जीतेंगे, ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, हम अपना देश वापस लेकर रहेंगे, ये तक उन्होंने कह डाला। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बाइडेन को व्हाइट हाउस से हटा देंगे, उन्हें बाहर निकालना है, हटाना है उन्हें, और इतिहास की सबसे खराब प्रेसिडेंट तक बाइडेन को उन्होंने कह डाला। उन्होंने कहा जो बाइडेन इतिहास के अमेरिका के सबसे खराब प्रेसिडेंट है, आने वाले 4 साल सबसे अच्छे होंगे, ये भी उन्होंने कहा है। और इसके अलावा 2020 वाला दौर दोहराना नहीं चाहते, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है कि अब नई तैयारी है, 2020 वाला दौर नहीं दोहराएंगे। तो उधर डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने क्या राष्ट्रपति चुनाव का रुख बदल दिया है? क्या हमले के बाद ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की उम्मीदें बढ़ गई हैं? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि रोनाल्ड रीगल पर राष्ट्रपति रहते हुए उन पर हमला हुआ था, तो वो दोबारा राष्ट्रपति बने थे, और अब ट्रंप पर हुए हमले को भी उनके पक्ष में जाता हुआ मानकर विनर बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। चेहरे से बहता खून, मुट्ठी बांधे हुए ये तस्वीर अमेरिका चुनाव का रुख बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले में सबसे ज्यादा जिस चीज ने ध्यान खींचा वो यही तस्वीर है, और इसी तस्वीर को ट्रंप एंड पार्टी अपना विक्ट्री सिंबल मान रही है। तो सवाल है कि क्या नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे तय हो गए हैं? क्या ट्रंप की गोली खाने के बाद उनकी जीत पक्की हो गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय है? इन सवालों का जवाब ज्यादातर हां में इसलिए है क्योंकि ये हमला ट्रंप के लिए राजनीतिक संजीवनी बनता दिख रहा है, और इस अटैक के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। सर्वे पोल तो यही बता रहे हैं, हालांकि सर्वे गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन अमेरिकी चुनाव को लेकर सर्वे पोल करने वाली 10 में से 6 एजेंसियां 44-50% वोट ट्रंप के पक्ष में बता रही है। वहीं प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक ट्रंप को 50 तो बाइडेन को 47% वोट मिलते दिख रहे हैं। सर्वे के साथ ही ट्रंप की जीत में अहम फैक्टर अमेरिका की जनता है। अमेरिकन लोगों को अपने लोकतंत्र और सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है, लेकिन जिस तरह ट्रंप पर अटैक हुआ उससे देश गुस्से में है, और ये सब बाइडेन सरकार में हुआ है जिससे ट्रंप की छवि एक हीरो की बन गई है जो ट्रंप की जीत में अहम फैक्टर माना जा सकता है। घटना के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप न्यू जर्सी पहुंच गए, खुद को मजबूत बताने के साथ ही मैसेज भी क्लियर कर दिया कि वो रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज पिछले दिनों से कुछ अलग दिखाई दे रही है और बढ़ती उम्र और सेहत हावी दिख रही है, और इसके कारण ट्रंप को बाइडेन से ऊपर माना जा रहा है। इतना नहीं, इस मामले में सीक्रेट सर्विस की पोल भी खोल कर रख दी है, क्योंकि जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता है, जो सुरक्षा के लिहाज से सबसे मजबूत माना जाता है, वहां इस तरह की घटना से सीक्रेट सर्विस पर से भरोसा कम होता नजर आ रहा है, और ट्रंप की जीत की उम्मीद को हकीकत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूएस राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। दरअसल ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो चुका है क्योंकि उनकी रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है, और वही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे जेडी वेंस, जो कि ट्रंप के करीबी हैं। तो अब यूएस के राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं ट्रंप, और ये रास्ता अब सीधा और साफ हो चुका है, और इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को अपना उम्मीदवार एक बार फिर से बनाया है। तो दूसरी तरफ ट्रंप जो कुछ दिन पहले तस्वीर सामने आई थी उनके ऊपर हमले की, उसके बाद से और भी मुखर होके मजबूत होकर वो सामने आए अपने समर्थकों के बीच। इस तरह से एक कान में बैंडेज उनके लगा हुआ था राइट कान में, और मुट्ठी भींचते हुए ये बताते हुए मैसेज क्लियर करते हुए नजर आए कि वो उनका रास्ता अब साफ हो चुका है। तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे जेडी वेंस, तो सुरक्षित चुनाव हमारा उद्देश्य है, ये कहना है ट्रंप का।
और आपको बता दें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और अपने नाम के ऐलान के साथ ही पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच भी दे दी, जिसमें उन्होंने जो बाइडेन पर निशाना साधा और कहा कि जो बाइडेन अब तक के सबसे खराब राष्ट्रपति हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इधर राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी पर फाइनल मुहर लगी और उधर ट्रंप ने जीत वाला मैसेज दे दिया। चुनाव में जीत ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक जीत होने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लोगों के वोटों से हम जीत ऐसी हासिल करेंगे जो ऐतिहासिक होगी और पहले कभी नहीं देखी गई होगी। We are honored to have you here tonight and on behalf of the entire Republican Party all across America, we are grateful for you to be our nominee for the 47th President of the United States of America. खुद पर हमले के बाद ट्रंप पहली बार पब्लिक रैली में शामिल हुए। कान पर बैंडेज लगे ट्रंप के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। ट्रंप के समर्थन में जुटे हजारों समर्थक ट्रंप की हौसला अफजाई करते नजर आ रहे थे। लग रहा था मानो एक योद्धा युद्ध जीत कर लौटा हो। जितना उत्साह ट्रंप के समर्थकों में है उतना ही उत्साह ट्रंप में भी है, इसीलिए शायद वो बाइडेन को आड़े हाथों लेकर उन्हें अमेरिका का सबसे खराब राष्ट्रपति का खिताब दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन को व्हाइट हाउस से हटा देंगे। जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति हैं और उनसे हम अपना देश वापस लेंगे। बाइडेन को खराब राष्ट्रपति बताने के पीछे की वजह बहुत है, वो है बाइडेन का माइंडसेट। अमेरिका जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल देश कहा जाता है, लेकिन बाइडेन राज में कई ऐसी चीजें हुई जो उसे पावरफुल होने पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं, क्योंकि कई मौकों पर या हालातों पर बाइडेन या तो चुप रहे हैं या फिर पीछे हट गए हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अफगानिस्तान है जहां से अमेरिकन आर्मी को वापस बुलाया गया, नतीजन जहां तालिबानी राज कायम हो गया। रूस यूक्रेन में बाइडेन यूक्रेन को लगातार हथियार और पैसों की मदद करते रहे, लेकिन ना तो पुतिन झुके ना ही पीछे हटे। इसके अलावा अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा दिखता है, लेकिन गाजा युद्ध में वो मानवाधिकार की बात करते हुए फिलिस्तीनियों के साथ दिखा। ट्रंप अपनी जीत को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में और ये कॉन्फिडेंस उनके इस बयान से झलकता है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब 2020 वाला दौर नहीं दोहराएगा और आने वाले 4 साल सबसे अच्छे होंगे। रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में ट्रंप को 2,387 डेलीगेट्स के वोट मिले और इसी के साथ उनके उम्मीदवारी फाइनल हो गई। लेकिन जो बाइडेन फिलहाल तो मुश्किल में है, क्योंकि उनकी दावेदारी ही खतरे में है। उन पर अपनी ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता उम्मीदवारी वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव के लिए बाइडेन फिट हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ट्रंप से सीधी बहस में पिछड़ना और फिर उसके बाद ट्रंप पर अटैक से बाइडेन पर कम होता विश्वास उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब मैसेज क्या दिया है वो भी आपको दिखा देते हैं। रिपोर्ट में आपने समझा कि किस तरीके से फिलहाल ट्रंप लहर देखने को मिल रही है, लेकिन उन्होंने मैसेज भी दिया। आज आपको बताते हैं मैसेज क्या दिया। हम आपके वोट से जीतेंगे, उन्होंने कहा, ट्रंप का जीत वाला मैसेज। साथ ही उन्होंने दावा भी किया ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, कहा कि इस बार जीतेंगे, ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, हम अपना देश वापस लेकर रहेंगे, ये तक उन्होंने कह डाला। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बाइडेन को व्हाइट हाउस से हटा देंगे, उन्हें बाहर निकालना है, हटाना है उन्हें, और इतिहास की सबसे खराब प्रेसिडेंट तक बाइडेन को उन्होंने कह डाला। उन्होंने कहा जो बाइडेन इतिहास के अमेरिका के सबसे खराब प्रेसिडेंट है, आने वाले 4 साल सबसे अच्छे होंगे, यह भी उन्होंने कहा है। और इसके अलावा 2020 वाला दौर दोहराना नहीं चाहते, यह भी उन्होंने साफ कर दिया है कि अब नई तैयारी है, 2020 वाला दौर नहीं दोहराएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने क्या राष्ट्रपति चुनाव का रुख बदल दिया है?
क्या हमले के बाद ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की उम्मीदें बढ़ गई हैं? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि रोनल्ड रीगल पर राष्ट्रपति रहते हुए उन पर हमला हुआ था, तो वो दोबारा राष्ट्रपति बने थे और अब ट्रंप पर हुए हमले को भी उनके पक्ष में जाता हुआ मानकर विनर बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। चेहरे से बहता खून, मुट्ठी बांधे हुए ये तस्वीर अमेरिका चुनाव का रुख बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले में सबसे ज्यादा जिस चीज ने ध्यान खींचा वो यही तस्वीर है और इसी तस्वीर को ट्रंप एंड पार्टी अपना विक्ट्री सिंबल मान रही है। तो सवाल है कि क्या नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे तय हो गए हैं? क्या ट्रंप की गोली खाने के बाद उनकी जीत पक्की हो गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय है? इन सवालों का जवाब ज्यादातर हां में इसलिए है क्योंकि ये हमला ट्रंप के लिए राजनीतिक संजीवनी बनता दिख रहा है और इस अटैक के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। सर्वे पोल तो यही बता रहे हैं, हालांकि सर्वे गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन अमेरिकी चुनाव को लेकर सर्वे पोल करने वाली 10 में से 6 एजेंसियां 44-50% वोट ट्रंप के पक्ष में बता रही है। वहीं प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक ट्रंप को 50 तो बाइडेन को 47% वोट मिलते दिख रहे हैं। सर्वे के साथ ही ट्रंप की जीत में अहम फैक्टर अमेरिका की जनता है। अमेरिकन लोगों को अपने लोकतंत्र और सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है, लेकिन जिस तरह ट्रंप पर अटैक हुआ उससे देश गुस्से में है और ये सब बाइडेन सरकार में हुआ है, जिससे ट्रंप की छवि एक हीरो की बन गई है जो ट्रंप की जीत में अहम फैक्टर माना जा सकता है। घटना के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप न्यू जर्सी पहुंच गए, खुद को मजबूत बताने के साथ ही मैसेज भी क्लियर कर दिया कि वो रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज पिछले दिनों से कुछ अलग दिखाई दे रही है और बढ़ती उम्र और सेहत हावी दिख रही है और इसके कारण ट्रंप को बाइडेन से ऊपर माना जा रहा है। इतना नहीं, इस मामले में सीक्रेट सर्विस की पोल भी खोल कर रख दी है क्योंकि जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता है, जो सुरक्षा के लिहाज से सबसे मजबूत माना जाता है, वहां इस तरह की घटना से सीक्रेट सर्विस पर से भरोसा कम होता नजर आ रहा है और ट्रंप की जीत की उम्मीद को हकीकत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।